दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें। आप देख सकेंगे सेगमेंट अनमोल तोहफा, जन्नत कुशादा हो जाती है। सेगमेंट मेरा ख्वाब ये है, अगर कोई ख्वाब में देखे कि जिस्म से बगैर जख्म के खून निकलता जा रहा है तो इसकी ताबीर क्या होगी। सेगमेंट आज कौन है। मोहम्मद इमरान अंसारी लाहौर से बात करता हूँ मैं, मेरे दो ख्वाब है, मैं उसकी तबीरें पूछना चाहूँगा। सेगमेंट आपके पैगाम। सईद नाजिम भाई हैं, ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ पर किसी तरह से नमाज पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज इसकी ताबीर बता दीजिए। सेगमेंट आइए हमसे बात कीजिए। मेरा सवाल ये है कि ख्वाब याद क्यों नहीं रहते। अमूमन ख्वाब सभी देखते हैं, अच्छे ख्वाब भी देखे जाते हैं, बुरे ख्वाब भी देखे जाते हैं, इनको याद रखने के लिए कोई तरीका कोई जरिया हो तो रहनुमाई फरमा दें। सेगमेंट ख्वाब ही ख्वाब। किसी औरत ने देखा कि उसके शोहर की दूसरी शादी हो रही है ख्वाब में, तो इसका एक ताबीर क्या होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें जिसमें आप अपने ख्वाब बयान करते हैं और हम उनकी ताबीरें बयान करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी होंगे जिसमें जनरली पूछे जाने वाले सवालात को भी शामिल किया जाएगा और इसी तरह से आपके वीडियो सवालात का भी सिलसिला रहेगा। हम रिकॉर्डेड सेगमेंट भी आपको दिखाएंगे कि हम ऑफ एयर बात करते हैं हमारे कुछ नाजरीन के साथ, वो सिलसिला भी आपको दिखाना है। ये सब कुछ इंशाअल्लाह हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन चलते हैं सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी दुरूद पाक की फजीलत की जानिब। या रसूल अल्लाह। जन्नत कुशादा हो जाती है। हजरत सय्यदुना अब्दुल अजीज दब्बाग अलैहि रहमतुल्लाहिल वहाब फरमाते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक तमाम आमाल से अफजल है और ये उन मलाइका का जिक्र है जो अतराफ जन्नत में रहते हैं और जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जाते गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसकी बरकत से जन्नत कुशादा हो जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक की कसरत कीजिए और अपने रब अज़्ज़वजल की रहमतों में से हिस्सा पाइए। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक अता फरमाए। हम सब को चाहिए कि रोज़ाना कुछ न कुछ दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। बढ़ते हैं आज के वीडियो क्वेश्चंस की जानिब। जी दिखाइए। जी देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। मेरा नाम मोहम्मद शराल है और मैं पंजाब के जिला हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ और मैंने पूछना यह था कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ओले बरसते देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी। देखिए, अगर तो ओले इस तरह से बरसते हुए देखे हैं कि जो नुकसान के हद को पहुंच गए, नुकसानदेह होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये आजमाइश में मुब्तला होने की अलामत होती है। तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो अल्लाह पाक के बारगाह में आफियत का सवाल करे। मजीद। मेरा नाम मुदस्सर हुसैन अत्तारी है, मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि मुझ पे कोई जादू कर रहा है, बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बता दे। इसमें दो बातें मैं अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि अपनी हिफाजत के लिए जादू से, टोने से या कोई भी इस तरह के अमलियात वगैरह करते हैं लोग, हिफाजत के लिए तावीज़ हासिल करना चाहिए। चाहें तो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से राबता करके तावीज़ हासिल कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं ली जाती।
और वज़ाइफ भी होते हैं अपनी हिफाजत के लिए, ख़ास तौर पर सूरह फलक है, सूरह नास है, इसी तरह और भी बुजुर्गान दीन के दिए गए वज़ाइफ में से, औराद में से कुछ ना कुछ हमें वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए और इससे इंशाल्लाह बरकत मिलेगी, हिफाजत रहेगी। लेकिन ख्वाब की बुनियाद पर अपने जहन में ये बिठा लेना कि फलां ने मुझ पर जादू किया है, अव्वल तो इसकी शरण इजाज़त नहीं कि हम ख्वाब की बुनियाद पर किसी मुसलमान पर इस तरह का हुक्म लगाएं, और दूसरा ये भी जहन में रहे कि बाज़ोका शैतान हमें परेशान करने के लिए भी इस तरह की चीज़ें करता है। लिहाजा सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पर अपने जहन पर यह बात सवार कर लेना कि मुझ पर किसी ने कुछ कराया ही है, ये दुरुस्त नहीं। इसी रहें, हिफाजती इकदाम करना, असबाब इख्तियार करना, वो सब अपनी जगह पर करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब की बुनियाद पर अपने जहन पर इस बात को सवार ना कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये शैतान का अमल है तो खाम खा आप उसके शिकंजे में आ गए, उसके जाल में फंस गए, उसने आपको परेशान कर लिया, अब आप हर दूसरे नुकसान पर, हर किसी आजमाइश पर यही सोचते रह जाएं कि यार पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया है, और इसी टेंशन में आपकी ज़िंदगी गुजर जाए। लिहाजा अपने आप को मेंटली इजी रखने की इल्तिजा है। मजीद, मैं अब्दुल रहीम, मुझे पूछना था, कोई शख्स घुटनों के बल रास्ते पे चल रहा है तो उसके ख्वाब की ताबीर क्या होगी, प्लीज फरमा दीजिए। उसको अपने कामों में बहुत हडल्स और दुश्वारियों का सामना होगा, ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपने मामलात को सर अंजाम देने में मज़ीद तवज्जो से काम ले, बहुत ज़्यादा ध्यान दे, और हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में जब उसने ख्वाब देखा है तो उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े। लिहाजा सदका भी करे, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करे, और अपने जो भी उसके काम हैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, मैं सिकंदर अतारी, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई इस तरह का ख्वाब देखे कि वो बुलंद चोटी से गिरा है तो इसकी ताबीर क्या होगी। मुश्किल में पढ़ने और मुराद के पूरा ना होने की ये अलामत होती है, जो ख्वाहिश थी, जो तमन्ना थी वो पूरी ना होगी, ये इसकी अलामत हुआ करती है। अगर कोई जायज़ तमन्ना थी और ख्वाहिश थी जिसको ये पूरा करना चाहता था, तो इसे चाहिए कि रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ करे, सलातुल हाजात अदा कर ले, इसकी बड़ी बरकतें हैं। कोई भी जायज़ काम आप करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट है जो आप हासिल करना चाहते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो हमें चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में नमाज अदा करें, और उसका तरीका नमाज के अहकाम जो अमीर अहले सुन्नत की किताब है उसमें आपको मिल जाएगा, बाहर शरीयत में भी है, और वहाँ से उसको देखकर पढ़ लें और उसके मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल आपके काम संवर जाएंगे, मुश्किल होगी तो आसान होगी, और जो जायज़ तमन्ना और ख्वाहिश है अल्लाह की रहमत से पूरी हो जाएगी। मोहम्मद अख्तर अत्तारी सिद्दीकी, गोजरा। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि घर में बहुत मज़ेदार शोरबा बना हुआ है लेकिन ये समझ नहीं आ रही वो शोरबा किस चीज का है, इसकी ताबीर क्या होगी, इरशाद फरमा दीजिए। ये मुबहम ख्वाब है और ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं हुआ करती, हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए होती है, कोई ऐसी वाज़े अलामत, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि उसकी ताबीर बयान की जा सके। बाज़ औक़ात नामुकम्मल बेरब से ख्वाब नज़र आते रहते हैं, लिहाजा उनकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना इसमें परेशान होने की हाजत है, बस आ जाते हैं, हमारे ख्यालात होते हैं, बाज़ औक़ात ख्वाब की शक्ल में नज़र आते रहते हैं। मज़ीद, मोहम्मद आसिम अत्तारी, फैसलाबाद। अगर कोई ख्वाब में देखे कि जिस्म से बगैर जख्म के खून निकलता जा रहा है तो इसकी ताबीर क्या होगी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। तवज्जो ना करें इसकी तरफ, बेरब्सा है, और ज़ाहिर है कि जो जख्म से ही खून निकलता है, बेजख्म के खून निकलना कोई इसके माना नहीं होते, तो ऐसे नामुकम्मल और बेरब ख्वाबों की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में पनाह ज़रूर मांगे कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर इसका कोई बुरा नतीजा है तो मुझे उससे महफूज फरमा। मजीद, मेरा नाम मोहम्मद सदाकत अतारी। ख्वाब में दिन को तारे नजर आना और क़यामत का बर्पा देखना कैसा है। क़यामत को देखना ये आजमाइश, मुश्किल
और परेशानी में मुब्तला होने की अलामत होती है। अगर कोई इस तरह का मंज़र देखता है जैसे कि क़यामत बरपा है, चीज़ें उड़ रही हैं, ज़ाय हो रही हैं और तोड़ फोड़ है, हर तरफ जो है वो होलनाक मनाजिर हैं, तो ये आजमाइश में मुब्तला होने की दलील हुआ करती है। लिहाजा अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ करें, आफियत के लिए सवाल करें। मजीद, मेरा नाम सगीर हुसैन है सरगोधा से। मेरा ये सवाल है कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो पढ़ रहा है और उसे जुकाम लगा हुआ है और वो रुमाल से बार बार अपने नाक साफ करता हो तो इसकी ताबीर क्या होगी? वाजी वाह, बड़ा दिलचस्प ख्वाब है। रूटीन की चीज है, ऐसा हो जाता है, नजला जुकाम हो जाता है, स्टडी भी कर रहे होते हैं और नाक साफ भी कर रहे होते हैं, तो एक उमूमी सी चीज़ है हमारी आम जिंदगी में, हालात वाकयात में इस तरह की चीज़ें नज़र आती रहती हैं, तो इसकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती। जो आम रूटीन की चीज़ें होती हैं, शब रोज़ हम जो काम काज करते हैं, वही चीज़ अगर ख्वाब में देखें तो उसकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती, लिहाजा परेशान ना हो। और अगर वाकई किसी को हकीकत में नज़ला ज़ुकाम है तो उसके लिए इलाज की सूरत जो है वो इख्तियार की जाए। मजीद, मेरा ये सवाल है कि अगर ख्वाब में देखता है कि उसका दोस्त इराक से आया है तो उसे तोहफे में जमानत पत्र की अंगूठी पेश करता है, इसकी क्या ताबीर है? वाजिब वाह, दोस्त आया है और अंगूठी पेश की है, तो गौर कर ले, अगर वाकई कोई ऐसा दोस्त है जो कहीं से आ सकता है फिर तो ये हालात वाकयात के मुआफिक होगा, वरना ऐसे खिलाफ वाकई ख्वाबों की ताबीर नहीं हुआ करती। मजीद, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ अत्तारी है और मैं मंडी बहाउद्दीन का रहायशी हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि पेड़ के छत्ते के नीचे से गुजर रहा था और एक भीड़ ने उसे काट लिया और वो दर्द की वजह से इतना चीखा कि हकीकत में उसके घर वाले उसकी चीखों पुकार से जाग गए, तो इसकी ताबीर क्या हो सकती है? आजकल गर्मियों का सीजन है और बाज़ जगहों पर भीड़ अपने छत्ते भी बनाती हैं, काटती भी हैं, तो अगर तो कोई ऐसा मैटर हुआ है उसके साथ तो एक आम रूटीन की चीज़ है जो उसको ख्वाब की शक्ल में नज़र आ गई। बाकी ये कि भीड़ का काटना अच्छा नहीं होता, अल्लाह पाक के बारगाह में आफियत के लिए सवाल करें और गुजारिश करें कि या अल्लाह अगर कोई मेरे लिए तंगी है, मुश्किल है तो मुझे उससे महफूज फरमा। मजीद, इस्लामी भाई ने ख्वाब देखा है कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उनके सामने कुरान पाक उसके सफहात पलट रहे हैं और उनकी आंखों में से आंसू जारी हैं, और इसकी ताबीर क्या होगी? देखिए, मुतलकन कुरान मजीद की तिलावत करते हुए अपने आप को देखना ये तो सआदत की बात है, बरकत की बात है, नेक काम पर तौफीक मिलने की अलामत है, लेकिन स्पेसिफिक मुख्तलिफ जो कुरानी आयात हैं या मुख्तलिफ जो सूरतें हैं उनकी ताबीरें मुख्तलिफ हुआ करती हैं, तो वो चूँकि आपने बयान नहीं किया इसीलिए कुछ स्पेसिफिक तो बयान नहीं किया जा सकेगा। बक्या ये कुरान मजीद की तिलावत करते हुए अपने आप को देखना बाइस बरकत है, बाइस सआदत है, अल्लाह पाक की रहमत से इबादत पर कुव्वत नसीब होने की अलामत है। मजीद, मेरा नाम अब्दुल रशीद है और मैं हिंद से बोल रहा हूँ। मैंने ये ख्वाब देखा हूँ कि बहुत सारे अफराद, बहुत सारे इंसान जो है वो लाइन पे सफ बांध कर खड़े हैं, तो हमारी नमाज का वक्त था, असर की नमाज मैं अदा नहीं किया था, तो मैं और मेरे साथी था मेरे साथ, दोनों मिलकर असर की नमाज पढ़ने के लिए चले गए मस्जिद में, और मस्जिद की नमाज पढ़ के जब बाहर निकला तो देखे सब सफ बन कर खड़ा है, तो पूछा मैंने कि क्या बात है सब इतना इस तरह सब बनकर क्यों खड़े हैं, तो बोले कि अमीर अहले सुन्नत आ रहे हैं, उनके इस्तेमाल के लिए हम सब खड़े हैं। अमीर अहले सुन्नत डायरेक्ट पहुंचते मेरे पास, और जब मेरे पास पहुंचते तो मैं अमीर अहले सुन्नत को सलाम कर रहा हूं, तो सलाम का जवाब देते हैं, तो अमीर अहले सुन्नत मुझे कुछ बोलने ही जा रहे थे कि मेरी आंख खुल गई, इसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर के लिए तो आप दुआ करें कि हकीकत में आपको अमीर अहले सुन्नत की ज्यारत नसीब हो जाए। अमीर अहले सुन्नत से चूंकि लोगों को मोहब्बत है और बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग ये चाहते हैं कि हमारे इलाके में करम फरमाएं, तशरीफ़ लाएं, तो एक मोहब्बत जो है वो ये ख्वाब दिखाती है और बंदा वही चीज़ें ख्वाब के अंदर भी देखा करता है, तो अच्छा शगुन है। दुआ करें अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे
اور ان کی مزید ہمیں برکت عطا فرمائے۔ تو محبت الفت کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے آئیے ہم سے بات کیجئے، جس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں، معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اویئرنیس بھی ملتی رہے اور اس علم سے متعلق جو سوالات عموماً ذہن میں ہوتے ہیں، جنرل کوسچنز ہوتے ہیں، وہ آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ تو ڈفرینٹ لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور یوں سمجھیے کہ بہتوں کی نمائندگی بھی ہوتی ہوگی۔ آئیے یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آپ کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک سوالات پہنچے ہیں انہیں سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ٹائم ہوا ہے سیگمنٹ کا آئیے ہم سے بات کیجئے، اس کے اندر ہم مختلف اسلام بھائیوں کے کوئسچنز کو لیتے ہیں اور بیسیکلی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہوں گے بہت سارے ہمارے ناظرین کے سوالات کی، اور اس کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جنرل نالج میں اضافہ ہو، علم دین میں ہمارا اضافہ ہو، اور خوابوں کی تعبیر کے علم سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم تک بھیج بھی سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس کو کور بھی کر لیا جائے۔ تو آج ہمارے ساتھ چار مزید اسلام بھائی موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یاور ہے، میں ڈیزائننگ کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پر پروگرام میں مدعو کیا، سوال کرنے کا موقع دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواب یاد کیوں نہیں رہتے؟ عموماً خواب سبھی دیکھتے ہیں، اچھے خواب بھی دیکھے جاتے ہیں، برے خواب بھی دیکھے جاتے ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے کوئی طریقہ کوئی ذریعہ ہو تو رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ جی بڑے بنیادی سوال کو یہاں پر بیان کیا ہے اور کئی ناظرین اس طرح کی کالز بھی کرتے رہتے ہیں، ہم سے سوالات کرتے رہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے ایک نیچرل عمل ہے اور بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے خواب یاد کیوں نہیں رہتے، تو یہ ذہن میں رہے کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اور نہ خواب یاد رہ جانا کوئی ایسی فضیلت والی بات، ایک نیچرل ہے۔ جس طرح جاگتے ہوئے ہمارے حافظے مختلف ہوتے ہیں، کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں، تو ایسا ہی ہمیں خواب بھی بھول جاتے ہیں، یاد بھی رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال علماء کرام نے اس کی چند وجوہات بیان فرمائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک بنیادی وجہ تو یہ بیان کی ہے خواب یاد نہ رہنے کی، کہ انسان کا یقین اتنا پختہ نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی چیز پر یقین ہی نہیں ہے، اس کی طرف اتنا التفات بندہ نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ وہ چیز پھر بھول سکتی ہے۔ دوسری بات گناہوں کی کثرت، جس طرح جاگتے ہوئے ہمیں چیزوں کو نسیان اور بھلانے کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح خواب کے بھولنے کے اسباب میں گناہوں کی کثرت بھی علماء نے بیان فرمائی۔ تیسرا ہے اپنے مزاج کے موافق غذا استعمال نہ کرنا۔ یہ مزاج سے مراد یہ مزاج نہیں ہے کہ میں خوش مزاج ہوں یا بد مزاج ہوں، بلکہ جو ایک طبعی طور پر انسان کے مزاج جو طبی طور پر بیان کیے جاتے ہیں، اس کے موافق غذا کا ہونا یہ چاہیے، اور اگر اس کا موافق نہیں ہوگی تو بھی آپ خواب بھول سکتے ہیں۔ اور پھر نیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر اعتقاد رکھتا ہے اور اس کی اٹینشن جو ہے وہ خوابوں اور اس کی تعبیر کے بارے میں رہتی ہے تو اس کو زیادہ یاد رہے گا، اور انہی چیزوں کو درست کر لیا جائے تو خواب یاد رہیں گے۔ یعنی کہ یہی نہ یاد رہنے کے اسباب ہیں، اور انہی اسباب کو دور کر دیا جائے، جیسے گناہوں کی کثرت ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کی جائیں، تو انشاءاللہ عزوجل خواب یاد رہیں گے۔ پھر اپنا یقین خواب اور اس کی تعبیر کے علم سے متعلق ہمارا جتنا سٹرونگ ہوگا، جتنا بیہیویئر ہمارا پازیٹیو ہوگا، اتنا یاد رہیں گے۔ اور غذاؤں کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا جائے اور اپنے موافق غذائیں جو ہے وہ استعمال کی جائیں، تو انشاءاللہ عزوجل خواب یاد رہیں گے۔ ایک اور بڑی پیاری بات علماء نے بیان فرمائی، وہ خواب کے تعلق سے بھی ہے اور جنرلی بھی چیزیں اگر بھول جاتی ہوں تو یہ وظیفہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے، سنقرئک فلا تنسا۔ قرآن مجید فرقان حمید
जब नाजिल हुआ तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हम तुम्हें सिखाएंगे पढ़ाएंगे और आप उसको भूलेंगे नहीं, और ये आपके मोजिजात में से है कि इतनी बड़ी किताब और ऐसी याद होना, ये उससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती थी। तो इसकी जो वजाहत है उसकी तशरी और तफसीर के अंदर उलमा ने फरमाया कि ये आयत करीमा अगर बंदा कसरत के साथ पढ़ता रहे तो चीजें भूलने से महफूज रहेगा और ख्वाब भी भूलने से महफूज रहेगा। तो अगर किसी को ये परेशानी होती है कि यार मुझे चीजें याद नहीं रहती, ख्वाब भी याद नहीं रहते, तो ये आयत करीमा सनुकरीउका फला तंसा मुख्तसर सी है, इसकी जो है वो तिलावत बार बार करता रहे। जी मदनी चैनल के नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का सेगमेंट, हमें फीडबैक भी दीजिएगा। और हमने कोशिश की कि डिफरेंट जो है वो डाइवर्सिटी के साथ सवालात को शामिल किया जाए और उनके जवाबात आप तक पहुंचाए जाए। इंशाल्लाह मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इल्म में इजाफे का बाइस बनता रहेगा। अब बढ़ते हैं आपके मजीद सवालात की जानिब। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्वाबों की तबीरें। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीरें, और अब वक्त हुआ है आपके पैगामात को, आपके सवालात जो बजरिया सोशल मीडिया अकाउंट्स हम तक पहुंचे हैं उन्हें शामिल करने का। असद भाई, सबसे पहले मैं सवाल शामिल करना चाहूँगा मोहम्मद जहीर भाई का। ये कहते हैं कि ख्वाब में इन्होंने मज़ार पर कबूतर पकड़ते हुए देखा है, और जैसे ही ये किसी कबूतर को पकड़ने जाते हैं तो एक मोर है जो इन पर हमला आवर होता है, तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? हाँ, कोई ताबीर नहीं है, ये चीज़ एक आम रूटीन की चीज़ कह लें या एक बेरब सी चीज़ है, क्योंकि मज़ार से कबूतर और मोर का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। सही, तो मुख्तलिफ ख्यालात का मजमुआ ये ख्वाब मालूम होता है, लिहाजा इसकी कोई खास ताबीर नहीं। ठीक है, सवाल है हमारे पास जैन मदनी भाई का जो सियालकोट से हैं। कहते हैं कि अगर कोई औरत ये देखे कि उसके शोहर की किसी दूसरी औरत से शादी हो रही हो, इस तरह का ख्वाब वो अक्सर इस तरह का देखते हो, तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है? शैतानी वसवसा मालूम होता है, इसकी तरफ तवज्जो ना करें। ठीक है, और आपस के मामलात को बेहतर ही रखें। इस ख्वाब के बुनियाद पर किसी वसवसे का या किसी शक व शुबे का शिकार होना इसकी कोई हाजत नहीं है, बस इसकी तरफ तवज्जो ना फरमाएं। ठीक है जी। आकिफ भाई ये कहते हैं कि रात को मैंने एक ख्वाब देखा है कि हम इकट्ठे ख्वाब में कहीं बैठे हुए हैं और दो सांप आते हैं जो मेरी टांगों के नीचे से गुजरकर आगे चले जाते हैं, फिर छोटा सा एक सांप आता है वो भी यूं ही आता है और गुजरकर चला जाता है, और नीचे कुछ जानवर हैं जो बंधे हुए हैं वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनको जाके डस लेते हैं, तो इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? सांप का देखना तो अच्छा नहीं होता और बुरे शख्स की अलामत होती है, दुश्मन पर भी ये दलील होती है, लेकिन उसका ना डसना ये एक पॉजिटिव होता है। अगर सांप डस ले, नुकसान पहुंचाए, तो फिर ये दुश्मन के गालिब आने की अलामत हुआ करता है, तो इनको नहीं डसा बल्कि किसी जानवर को जाके डसा है, तो इस एतबार से इनके लिए पॉजिटिव है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह अज़्ज़वजल अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मुझे उससे महफूज फरमाएं। सवाल शामिल करेंगे मदनी चैनल फेसबुक लाइव से, और सवाल करने वाले मुनीब अली भाई हैं। कहते हैं ख्वाब में कैमल देखना कैसा होता है सर? दो अलामतें हैं। सही, सरदारी की भी अलामत होती है और सफ़र की भी अलामत होती है। अगर किसी ने देखा है कि वो ऊन पर सवारी करता है तो वो सफ़र पर जाएगा, इसी तरह से अगर ऊँट पर सफ़र करता है, मोती व फरमाबरदार उसको पाता है और जहाँ चाहता है उसको चला कर ले जाता है, तो ये मनसब मिलने की, इज्जत में इजाफा होने की दलील हुआ करता है, तो दोनों एतबार से एक अच्छा ख्वाब है। ठीक है जी। सवाल है हमारे पास जुबैर अत्तारी भाई का, और ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज्यारत की है मैंने। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत मुबारक ख्वाब है, इन्होंने शेयर किया है हमसे जी।
इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी पर खास करम हो जाए अगर इस हवाले से तो क्या फरमाएंगे आप, या कोई ख्वाहिशमंद होता है वो कहते हैं कि हम ज़ियारत करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? दोनों सूरतों में देखिए, जिसे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो बड़ी सआदत की बात है, और सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि शैतान सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शक्ल में नहीं आ सकता, यह आपकी खसूसियात में से है। लिहाजा एक तो ये खुशी की बात है कि अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाई। अच्छा, दूसरा ये है कि इल्म में इजाफे की अलामत होती है, अगर कोई तंगदस्त है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसको रोज़गार में वसअत नसीब होगी, रिस्क में इजाफा होगा। इसी तरह से इज्जत में इजाफे का ये बायस होता है, अगर कोई बीमार है और परेशान है और वो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है तो अल्लाह पाक की रहमत से बीमारी से छुटकारा नसीब होगा। तो बड़ा ही एक प्यारा और ज़बरदस्त ख्वाब है। बकिया ये कि ज़ियारत अगर कोई करना चाहे, ख्वाहिश है, किस मुसलमान की ख्वाहिश ना होगी? एक तो ये है कि वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यादों में खोया रहे, याद मुस्तफ़ा को अपने दिलो दिमाग में बसा के रखे, दुरूद पाक की कसरत करता रहे इस नीयत के साथ कि इस दुरूद पाक की मैं कसरत करता हूँ कि मुझे ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नसीब हो जाए। और इसका एक मखसूस दुरूद पाक भी है, इंशाल्लाह वो कभी मौका हुआ तो वो भी आपको पेश करेंगे। थोड़ा तवील दुरूद है तो वो दुरूद पढ़ने का एक वक्त और एक तरीका है, वो ख़ास दुरूद पाक ज़ियारत मुस्तफ़ा के हवाले से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर वो ना भी मालूम हो, ना भी याद हो, तो कोई सा भी दुरूद, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या आम जो हम दुरूद पढ़ते रहते हैं, वो इस नीयत के साथ कसरत से पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। सवाल है हमारे पास, कहते हैं ख्वाब में मैंने देखा है कि हमारे घर माल्टे का दरख्त है, उस पर बहुत ज़्यादा माल्टे लगे हैं, जो दो माल्टे मैंने उसमें से उतारे हैं, ये मैं ख्वाब देखता हूँ, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? माल्टा अगर दुरुस्त तौर पर है, यानी कि पका हुआ है और सही हालत में है, अगर वो उतारा है तो ये नेमत मिलने की अलामत है, कोई अच्छी खबर पहुंचने की दलील है। सही है। ख्वाब में कहते हैं कि ये देखना कि सब्ज रंग की सब्जियां हैं और टमाटरों के पौधे देखे हैं, टमाटर तो रेड हैं पर पौधे सूख गए हैं, तो मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करनी थी। मिले जुले हालात का सामना करना इसकी ताबीर है, कुछ चीज़ों में आसानियाँ और कुछ चीज़ों में मुश्किलात का सामना हो सकता है, और मुख्तलिफ सब्ज़ियों की फिर मुख्तलिफ ताबीरें हुआ करती हैं। आपने चूँकि जनरली कहा है तो जो सही तौर पर सरसब्ज हैं, शादाब हैं, तो वो अच्छी अलामत है, और खुश्क हो जाना ये अच्छी अलामत नहीं हुआ करती। एक इस्लामी बहन कहती हैं कि ये मशहूर है कि जिसको सोच कर सोया जाए तो आपके ख्वाब में वही आता है, क्या ऐसा ही है? और किसी को ख्वाहिश हो के वो ख्वाब में किसी वलिये कामिल की ज़ियारत करे तो क्या वो ऐसे ही उनको सोचता सोचता सो जाए? जी, सही मशहूर है, और जो ख्वाबों की इसमें बयान की जाती हैं और जो असबाब बयान किए जाते हैं और जो चीज़ें ख्वाबों के ताल्लुक से बयान की जाती हैं तो उसमें ये बात उलमा ने तहरीर फरमाई है कि बंदे के ख्यालात में जो चीज़ें होती हैं उमूमन वो ख्वाबों में नज़र आती हैं, और ख़ास तौर पर सोने से पहले जिन चीज़ों का ख्याल आपके जहन में होता है ख्वाब में वो चीज़ नज़र आ सकती है। और किसी वलिये कामिल की ज़ियारत की अगर ख्वाहिश है तो उनके बारे में सोचना और ये ख्वाहिश रखना और उनके हलिये को जहन में लाना, ये बिल्कुल बाइस हो सकता है ख्वाब में उनकी ज़ियारत करने का। तो ये बात दुरुस्त है और होता भी है, हमारे ख्यालात के मुताबिक हमारे ख्वाब हुआ करते हैं, इसीलिए अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को पाकीज़ा रखने का कहा जाता है। एक तो हकीकी ज़िंदगी में भी जागते हुए भी इसके बेनिफिट्स हैं, दूसरा ये है कि बुरे ख्वाबों से बंदा महफूज रहता है और सुथरे और अच्छे ख्वाब उसको नज़र आते हैं।
ठीक है जी, सवाल शामिल करेंगे मोहम्मद शमशाद भाई का। ये कहते हैं कि ख्वाब में बहुत सारी मछलियां देखना, ये कैसा होता है, क्या ताबीर होगी इसकी? मछलियों का देखना जबकि सही हालत में हो, दुरुस्त हालत में हो, ताबीर के अतबार से ये अच्छी हैं और नेमत मिलने की अलामत होती है। वो शख्स रिस्क पाएगा, नेमत में उसके इजाफा होगा। अगर परेशान हाल था तो अल्लाह पाक की रहमत से उसको वसअत और आसानी नसीब होगी। तो मछली बेसिकली अच्छी अलामत है और बास सूरतों में ये बेटी की भी अलामत होती है। अगर किसी के यहाँ विलादत का सिलसिला हो और वो मछली को हासिल करते हुए देखता है तो अल्लाह पाक की रहमत से बेटी की नेमत उसे नसीब होगी। फरूख मंसूरी भाई ये सवाल करते हैं कि ख्वाब में ये देखा है कि जमात हो रही होती है और मेरी जमात छूट जाती है, इस पर मैं अफसोस भी करता हूँ ख्वाब की हालत में, इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? अफसोस करना तो एक अच्छी अलामत है, अलबत्ता नेकी करने से रह जाना, ये नेकी पर मजीद कोशिश करने पर एक तंबीह है। कोशिश करें कि अपनी नमाज के मामलात को, दीगर इबादात के मामलात को मजीद बेहतर अंदाज पर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि कहीं पर कोई कमी कोताही पाई जाती हो, अगर आप महसूस करें तो उसको दूर करें। अल्लाह पाक हम सबको बाजमात नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए और इसके अलावा भी जो नेक काम है वो चुस्ती के साथ करने वाला बनाए। इस्लामी बहन का सवाल है, कहती हैं कि ख्वाब में मरहूम शोहर को देखा है कि वो कह रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और परहेजगारी का भी मशवरा दे रहे हैं, तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? एक अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाना है, तो अगर वाकई परहेजगारी में कमी है, नेक कामों में कमी है, ये कुछ फराइज और वाजिबात में सुस्ती है तो उसे दूर किया जाए। ख्वाब में किसी का आकर नेकी की दावत देना, अच्छी बात का हुक्म देना, ये साबित है और बकसरत इस तरह के ख्वाब जो है वो हमें सुनने को भी मिलते हैं, किताबों में भी मिलते हैं। लिहाजा जब भी कोई इस तरह का मैटर हो तो हमें चाहिए कि अपना मुहासबा करें और कोशिश करें कि पहले से ज़्यादा हम नेक कामों में अपने आप को मशगूल रखें। कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ख्वाबों में आकर किसी को समझाया बताया तो उन्होंने अपनी रियल लाइफ के अंदर उसे नाफिज भी किया और उसके बेनिफिट्स भी हासिल किए। ठीक है जी, सवाल है हमारे पास अहमद रजा भाई का, ये कहते हैं कि ख्वाब में रेलगाड़ी पर सफर करना और मस्जिद का देखना, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? रेलगाड़ी पर सफर तो एक आम रूटीन की चीज है, हम करते रहते हैं, वही ख्वाब में नजर आए, इसकी कोई खास ताबीर नहीं है। अलबत्ता मस्जिद का देखना नेकी पर कुव्वत मिलने की अलामत है। सवाल है हमारे पास एक इस्लामी बहन का, कहती है मैं और मेरा बेटा कहीं जा रहे थे कि रास्ता भूल गए और एक अजीब सी मखलूक के जिसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था वो मेरे बेटे को खींच कर मुझसे ले जाते हैं, तो ये ख्वाब देखा है और वो वक्त फजर का होता है, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? देखिए, अगर बच्चा कम उम्र है, जो आपका बेटा है जिसको आपने ख्वाब में देखा है, तो उसके लिए हिफाजत के इकदाम करने चाहिए। तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से राबता करके अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, ख़ासतौर पर उस बच्चे के लिए तावीज़ भी हासिल किए जा सकते हैं। तो बाज़ औक़ात हमें ख्वाब के ज़रिए मुतनब्बे किया जाता है, किसी मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किल से मुतालिक हमें बताया जाता है, तो हम इकदामात करें अमली तौर पर और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें ताकि अल्लाह पाक हमें हर तरह की मुश्किल से हिफाजत अता फरमाए। मोहम्मद रियाज भाई कहते हैं, डरावने और परेशान कुन ख्वाब आते हों तो क्या इनकी ताबीर होती है? जी, ताबीर तो होती है, अब जैसा ख्वाब वैसी ताबीर। सही। सवाल है एक, ये कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो तो उनको ख्वाब में देखा हो कि वो सफ़ेद और सियाह क्लॉज में है, कपड़ों में है, तो ये ख्वाब और इसकी ताबीर क्या हो सकती है? गैर वाज़े सा है, नामुकम्मल सा है, बस इतना है कि जिससे इंसान को रग़बत होती है तो चूंकि उसकी सोच में वो रहता है तो वो ख्वाब में नज़र आ जाता है, वो कोई भी हो सकता है। लिहाजा फ़कत इतना कि उसको देखा है तो इसकी कोई ताबीर नहीं। इस्लामी बहन का सवाल है, कहती है कि मुझे ख्वाब की ताबीर ये पूछनी है कि मेरे पापा को ख्वाब आया है कि पतीली में दूध है और उसमें
उस पर जो है वो सपोलिया गिरा है। फिर एक मरतबा ये ख्वाब आया था कि दूध में भीड़ ये गिर जाता है ऊपर से, तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है? दो तीन मरतबा ये ख्वाब इन्होंने देखा है। जो अच्छे काम ये करते हैं, नेक काम जो करते हैं, इबादात वगैरह जो करते हैं, उसके तरीके कार पर गौर किया जाए। मिसाल के तौर पर नमाज हम पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात गलत नमाज पढ़ते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह कोई और इस तरह का नुमायाँ, वैसे तो नेकी के काम हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन जिसको हम एक अलग से कंसीडर कर सकें, एक बड़ा काम किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उसके करने के तरीके कार पर गौर किया जाए। क्योंकि दूध जो है वो एक नेमत है, नूर है और एक बरकत की बात है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर जो दिन दो चीज़ों का तذکرہ किया वो बुरी चीज़ें हैं। तो बाज़ औक़ात जो बज़ाहिर अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर कोई खामी कोताही पाई जाती है। अब इसका मालूम कैसे होगा? उलमा से राबता करने से। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की खिदमात आप ले सकते हैं, नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वक्तन फवक्तन। तो अपने नमाज के मामलात पर, कोई और दीनी काम करते हैं, जो भी नेक काम हम करते हैं, तो उसकी हमें तफ्तीश करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर कोई कमी कोताही हो तो उसको हम दूर करने में कामयाब हो सके। सवाल शामिल करेंगे मदनी चैनल यूट्यूब लाइव से, और सवाल यह है कि कहते हैं मैंने ख्वाब में ये देखा है कि साफ पानी के सैलाब है और वो सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है, और साथ एक पुल है कि जिस पर एक फौजी मौजूद है, और एक शख्स आने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भगा देता है, उसके बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होते भी शुरू हो जाता है, और ये मैंने देखा है। इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? बारिश, सैलाब और उसमें फौजियों का मदद के लिए आना, ये एक रूटीन की चीज़ है, और जब भी इस तरह के हालात वाक़यात होते हैं तो डिफरेंट फोर्सेस जो है वो लोगों की मदद को भी पहुँचते हैं। तो हो सकता है आपका कोई पुराना ख्याल है जो आपके जहन में है और वो आपको ख्वाब की शक्ल में नज़र आया है। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह पाक बुरे वक्त से और बुरी चीज़ों से महफूज फरमाए, लेकिन परेशान ना हो, इसकी वजह से किसी मुसीबत में मुब्तला होना या ऐसा ज़रूरी नहीं। आखिरी सवाल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सवाल यह है कि एक इस्लामी बहन का ये सवाल है, कहती है कि दो काले सांप मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं, एक ने टांग को पकड़ा है और एक ने बाजू को, मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो करती हूँ पर छुड़ा नहीं पा रही हूँ, ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? आजमाइश की अलामत है। सांप बेसिकली बुरे शख्स की दलील होती है, और उसका यूं पकड़ना और ले जाना ये ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं हुआ करता। अल्लाह पाक की राह में कुछ सदका कर दें। देखिए, ख़ास तौर पर सांप है, मगरमच्छ है, बंदर है, इस तरह के जो नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदे हैं, वो किसी को भी नज़र आए तो ये इनकी ताबीरें अच्छी नहीं हुआ करती। लिहाजा हमें एक तो दुआ करनी चाहिए, राय खुदा में कुछ सदका कर देना चाहिए, और अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत के लिए सवाल करना चाहिए, और ज़ाहरी असबाब पर भी गौर करना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर किसी के साथ ऐसे मामलात हैं कि कोई शख्स के साथ उसकी अनबन है, कोई उसके पीछे लगा हुआ है, तो ज़रा अपने मामलात को मज़ीद बेहतर अंदाज पर हम सर अंजाम देने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई इस तरह के आजमाइश का सिलसिला हो तो अल्लाह पाक की रहमत से हम महफूज रह सकें। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ, लेकिन प्रोग्राम अभी जारी और सारी है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आज कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। बढ़ते हैं आज कॉलर से बात करने की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन टेलीफोन पर राबते में आते हैं, और उसके लिए चूंकि बहुत सारे नाज़रीन होते हैं, कॉलर्स होते हैं, तो हम सिलेक्टेड इस्लाम भाइयों से बात कर पाते हैं। कुछ पर्चियां नंबर्स के साथ मेरे पास मौजूद हैं, तो जी एक नंबर के जो कॉलर हैं उनसे आइए बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुजूर? खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र। हजरत साहब आप कैसे हैं? आप ठीक है? तबीयत ठीक है? मेरे नसीब आपसे बात हो रही है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल।
जजाकल्ला, आप नाम बताइए और शहर का नाम बताइए। मोहम्मद इमरान अतारी, लाहौर से बात करता हूँ मैं। माशाल्लाह जी इमरान भाई, दाता साहब के शहर से बात कर रहे हैं, तो क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मेरे दो मुहावे, मैं उसकी तबीयत पूछना चाहूंगा। जी इमरान भाई, एक तो मुझे रिसेंटली दो तीन दिन पहले आया, सुबह के टाइम में जी, वो ऐसे आया कि ना मोतियों की बारिश हो रही है, रंग बिरंगे ना बड़े प्यारे प्यारे से मोती है, सीपियां जैसे होती है। अच्छा। फिर जैसे जुगनू होते हैं साथ, ऐसे बड़े प्यारे ना। तो मेरे वालद साहब भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। वालद साहब की वैसे 2008 में वफात हो चुकी है ना, तो लेकिन वो भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ। तो हम वो बारिश देख के ना, मोतियों की रंग बिरंगी बड़ी, उसको यानी कि दिल ही दिन में बड़ा अच्छा शगून ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अच्छा, उस बारिश को मोतियों की दे। जी इमरान भाई, क्या करते हैं, आपकी मसरूफियात क्या है? अच्छा सर, मैं तो ना काम करता था, कपड़े का भी, प्रॉपर्टी का भी, लेकिन रिसेंटली ना मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हुआ हुआ, मेरी एक जॉब ना पैसे डूबे भी हुए हैं, परेशान हूँ फाइनेंशियली तौर पे ना, थोड़ा मैं इस टाइम परेशान भी हूँ। अच्छा। तो वो मैं वजीफे वगैरह भी कर रहा हूँ, अपना आदाब इस्लामी के अपने सारे बंदे जाना से कार्ड वगैरह भी करवा रहा हूँ। माशाल्लाह, ये चीज है। तबीयत कैसी रहती है? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा खास करा, तबीयत ठीक है मेरी, शुक्र अल्लाह पाक का। चले माशाल्लाह, आपने जो ख्वाब बयान किया है इमरान भाई, तो उसमें तसल्ली है, अल्लाह पाक की रहमत से आपके जो मामलात हैं उसमें आसानी नसीब होगी, और आपने जैसे कि बयान किया है कि कुछ माली तौर पर आजमाइशें हैं, अल्लाह पाक की रहमत से जल्द दूर हो जाएंगी, और हम दुआ भी करते हैं अल्लाह आसानी फरमाए। और वाली साहब के हवाले से जो आपने कहा कि वो भी साथ थे, खुश थे, किसी फौजशुदा को अच्छी हालत में देखना ये अच्छी नवीद होती है, अच्छी फाल लेनी चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो खैरियत से होंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से दुआ और इसाले सवाब की कसरत करते रहिए, इंशाअल्लाह ये वाली साहब के हक में भी बेहतर होगा और आपको भी इसका जरूर अजर मिलेगा। दूसरा क्या ख्वाब बयान करना चाह रहे हैं? दूसरा सर ख्वाब है, काफी काफी देर पहले का, मैंने कभी इसकी तबीयत पूछी नहीं किसी से ना। अच्छा, कितना अर्सा पहले का है ये? सर ये तकरीबन 97 की बात है, मैं ना उमरे पे गया था। अच्छा, तो ये मक्कतुल मुकर्रमा का वाक्य है जी। तो मैं मुझे ख्वाब आता है ऐसे ना कि खाना काबा शरीफ, मस्जिद नबी शरीफ, हर चीज ना जैसे वो रूई की मानत आसमानों की तरफ उठ रही है हर चीज। अच्छा, जैसे वो एक क्यामत का समा होता ना ऐसे। तो मैं ऐसे ख्वाब में ऐसे ही जाता हूँ, किसी के पास जाता हूँ परेशान, जैसे वो नफ्सा नफ्स, हमने सुना हुआ ना जैसे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा जी, तो मैं नफ्सा नफ्सी के आलम में किसी के पास जाता हूँ, वो कहते हम तुम्हें कहते थे दुनिया में कि माँ बाप की हिम्मत करो, अब तुम आगे जाओ किसी और के पास जाओ, मैं अच्छा। फिर आके जाता हूँ ऐसे, फिर आके जाता हूँ, तो इन द एंड ना मैं यानी कि जो मुझे तशबीह हुई है वैसे, मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ। अच्छा। तो मैं यानी कि उनको परेशानी की हालत में जाता हूँ ना, मैं उनके पास, मुझे उनका चेहरा मुबारक याद जहन में नहीं है, ठीक है। अच्छा। मैं उनके पास जाता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो मैं यानी कि अपनी परेशानी बताता हूँ उनके, या जो भी नफ्सा नफ्सी की हालत में जैसे भी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाते हैं तुम जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया। माशाल्लाह, ये मुझे हुआ है, जाओ तुम्हें बख्श दिया गया या तुम बख्शे गए, इस तरह का मुझे याद आ रहा है, उन्होंने ये फरमाया। सही। तो ये इसकी मैं तबीयत जानना चाह रहा था कि इसकी तबीयत क्या है। माशाल्लाह, एक तो मजमूई तौर पर इसमें दो तीन पहलू हैं आपके इस ख्वाब के, एक तो मुख्तलिफ किस्म की रिवायत है, आपका ज़ाहिर है मदनी माहौल से ताल्लुक है तो पढ़ने पढ़ाने का सुनने का सिलसिला रहता होगा, तो कई ऐसी रिवायात हैं जिसका मफहूम आपके जहन में होगा और वही चीज ख्वाब के अंदर आपको नजर आई। रही दूसरी बात कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब हुई, चेहरा याद नहीं है लेकिन इतना याद है कि जिन हस्ती से आपकी मुलाकात हो रही है वो प्यारे आका है, ये तो हमें बयान किया गया है कि अगर कोई सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज्यारत करता है तो उसने सरकार ही की ज्यारत की, ये तो हमारा ईमान है, तो ये खुशखबरी की बात है, और जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको खुशखबरी सुनाई वो भी माशाल्लाह बेहतरीन है, तो मुबारक ख्वाब है, अल्लाह पाक आपको इबादत पर कुव्वत अता फरमाएगा, और अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जरूर आपकी
रहनुमाई का बाइस होगा। तो इस ख्वाब को अपने लिए यूं लेना चाहिए कि हम मजीद अपने आप को गुनाहों से बचाने और नेकियों में मसरूफ करने की कोशिश करें और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत पर उम्मीद रखें और इंशाल्लाह इसकी बरकतें जरूर जाहिर होंगी। तो बहुत ही अच्छा ख्वाब है, बहुत पहले आपने देखा था, हो सकता है इस दौरान आपने कई एक नेक कामों में अपने आप को मसरूफ भी रखा हो। तो बारह कोशिश तो मैं करता हूँ जी, बड़ी कोशिश करता हूँ, मजीद कोशिश। इसमें एक चीज मुझे ये नहीं समझ आई कि मैं जब जाता हूँ ना सबसे पहले किसी के पास, तो वो कहते हैं तो हमने दुनिया में हम तुम्हें कहते थे अपने माँ बाप की बात मानो, यानी कि उनकी परवाह बर्दारी करो। इसमें कोई है, ख्वाब में किसी के जरिए हमें बाज़ोकात नेकी की दावत दी जाती है और हमें ये जहन देना मकसूद होता है कि हम इस काम पर मजीद तवज्जो करें। तो जैसे आपने कहा कि आप माशाल्लाह कोशिश करते थे और वालिद साहब की खिदमत आप करते रहे, वालिदा की भी कर रहे, तो उस पे मजीद कोशिश जारी रखें और ये इंडिकेशंस होते हैं, हमें तवज्जो दिलाई जाती है और इसको हमें पॉजिटिव लेकर अपनी जिंदगी में अमल करना चाहिए। तो अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे और दिनों दुनिया की मजीद बरकतें अता फरमाए। आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत मेहरबानी अच्छा भाई, बहुत मेहरबानी, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी खुश नसीबी आपसे बात हो रही है, बहुत मेहरबानी। जज़ाकअल्लाह खैर आपने कॉल की और हमसे बात की। इंशाल्लाह सवजल हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस्लामी भाइयों से हमारी बात हो जाया करे, कुछ इस्लामी रह भी जाते हैं। तो बहरहाल वक्त की जो है वो किल्लत अपनी जगह पे रहती है। अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे। इंशाल्लाह अज़्ज़ल अब आप सिलसिले में मजीद जो सवालात वगैरह होंगे वो मुलाजा फरमाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाबों की तबीरें। जनाब और भी अगर हमसे बात करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड होगी ऑफियर होगी, तो अपने नाम और नंबर्स हमें भेजते रहें, फेसबुक पर भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपसे भी डायरेक्ट बात हो सके। बढ़ते हैं अब ऑडियो सवालात की जानिब और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी जी, मेरी अहलिया ने ख्वाब देखा कि उनकी जो दादी है उनका इंतकाल हो चुका है, वो अपने घर गई थी तो उनकी दादी ने उनको 10 रुपए दिया और फिर जब उनकी जो बुआ है वो भी आ रही थी तो बाद में उनको 100 रुपए का नोट दिया, उसको सदका करने के लिए बोला और बोला कि वो मुसीबत में है तो इसको सदका कर देगी। देखिए शरण ये लाजिम तो नहीं हो जाता कि मुर्दे ने आकर अगर सदका करने का हुक्म दिया है तो अब इस पर लाजिम हो गया कि वो करे, लेकिन एक अच्छी बात है, एक अच्छे काम ही की तरगीब है, तो जितना हो सके राय खुदा में सदका करके उसका इसारे सवाब करना चाहिए। मुर्दों के साथ, फौत शुदगान के साथ जो दुनिया से चले जाते हैं, हमारा बेहतरीन हुस्न सलूक ये है कि हम उनके लिए दुआ करते रहें और उनके लिए इसाले सवाब करते रहें। उनका अपना अमाल का सिलसिला मुनकते हो गया, अब मुसलमानों की दुआएं और इसाले सवाब उनके लिए बहुत मुफीद हैं। मजीद कराची से मुदस्सिर अली बात कर रहा हूं, मेरी बेगम के एक ख्वाबों में सांप नजर आए। सांप अच्छी अलामत नहीं होता, दुश्मन की, बुरे शख्स की, नुकसान पहुंचाने वाले की ये अलामत होती है। तो जिसने ये ख्वाब देखा है उसे चाहिए कि अपनी हिफाजत के इकदाम भी करे और बहुत बेहतर होगा कि वज़ाइफ और तावीज़ात भी हासिल करें, इंशाअल्लाह हिफाजत का सामान रहेगा। हमें कॉन्शियस रहना चाहिए और जो ज़ाहिरी असबाब हैं उन्हें इग्नोर हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जी एक इस्लामी ने ख्वाब देखा, उनके पापा फौत हो चुके हैं और फिर कुछ दिन बाद यही ख्वाब देखा, उनके पापा फौत हो चुके हैं और वो रो रही हैं, काफ़ी दुखी हो रही हैं और फिर वो उस जोर से उन्हें लगती है तो उनकी आँखें खुल जाती हैं, इसकी ताबीर शायद फरमा। अगर हकीकत में उनके वालिद जिंदा हैं तो उनके लिए दराजी उम्र बिल खैर की दुआ करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जिसकी मौत हमने देखी है वह हकीकत में फौत ही होने वाला हो, लेकिन मुसलमान के लिए दराजी उम्र बिल खैर की दुआ ज़रूर करें, लेकिन जिसके बारे में आपने मौत का ख्वाब देखा है उसको बयान करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, बिला वजह उसे तश्वीश हो सकती है, लिहाजा उससे शेयर ना करें, अल्लाह पाक के बारगाह में खुद से दुआ कर लें। मजीद किसी इस्लामी बहन ने ख्वाब देखा कि कोई ऐसा इंसान जो मर चुका हो किसी जिंदा इंसान को सूट दे और ख्वाब देखने वाला जिंदा इंसान खुशी से कबूल करे, इसकी क्या ताबीर होगी? एक मोहब्बत की अलामत है,
ज़िंदगी में जिनसे ताल्लुक़ होता है उनसे लेन देन का ताल्लुक़ भी रहता है, तो इससे घबराने की हाजत नहीं है। एक उमूमी हालात से मुतल्लिक के ख्वाब है, बस उनके लिए दुआ करें और इसाले सवाब करते रहें। मज़ीद, दिन बेरोजगार था और ख्वाब में देखा है मैं एक आदमी के पास गया, वो मेरा मसला हल हो गया है, क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? देखिए, ख्वाब की बुनियाद पर मैं ये हुक्म तो नहीं लगा सकता कि आप उसके पास जाएंगे आपका मसला हल हो जाएगा। एक इशारा मिलता है ख्वाब के जरिए, लेकिन ज़ाहरी असबाब पर गौर कर लें। अगर ज़ाहरी हालात वाकयात इस बात की इजाज़त देते हैं कि उसके पास जाना चाहिए, तो फिर ख्वाब के जरिए समझें कि एक आपको मुआवनत मिल गई और वो आपका ख्याल मजीद पुख्ता हो जाएगा, लेकिन ज़ाहरी असबाब पे गौर करके ही डिसीजन लीजिएगा। मजीद, कश्मीर से अब्दुल कय्यूम अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा असद भाई से ये ख्वाबों की तस्वीरों में सवाल था कि मैं देखता हूँ कि ख्वाब में कि मैं मिसवाक कर रहा हूँ और दूसरा शख्स मुझसे मिसवाक मांग रहा है। असद भाई से अर्ज है कि इसकी तस्वीर बता दें। उमूमी एक हालात की चीज है, लोग इस तरह की चीजें मांगते रहते हैं, तो कुछ खास इसकी ताबीर नहीं। मजीद, मेरी सिस्टर ने ख्वाब में देखा कि मैं इंतकाल कर गया हूँ। दो मरतबा देखा, एक मक्का मदीना में देखा और अभी कुछ दिनों पहले घर में देखा। पर मेरे जो जितने भी अहल वयाल हैं को मेरा नहीं पता कि मैं इंतकाल कर गया हूँ, पर मेरी सिस्टर बड़ी परेशान है। उन्हें तसल्ली दे और ये बात जहन में रहनी चाहिए कि किसी की मौत की खबर सुनना ख्वाब में लाजमी नहीं कि उसका इंतकाल हो। इसकी और भी ताबीरें हुआ करती हैं, लिहाजा इसकी वजह से टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अपनी तसल्ली के लिए और दराज़ उम्र बिल खैर के लिए राय खुदा में कुछ सदका करके दुआ ज़रूर करें कि सदक़े से उम्र में भी बरकत होती है, लेकिन टेंशन लेना या परेशान होना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद, वालदा ने ना ख्वाब देखा था कि वो सब्जी काट रही हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि सब्जी कौन सी है, तो सब्जी उन्होंने काफी ज्यादा काट ली थी ख्वाब में। तो बाद में नीचे देखा तो हजार हजार के नोट जो है वो काटे हुए थे, 500-500 के नोट काटे हुए थे। तो इसकी तबीर बता दें। कुछ नहीं, परेशान ना हो, उमूमी हालात से मुतालिक है। लेडीज का ये काम घर में रहता है, तो उससे मुतालिक ख्वाब देखा है, तो परेशान होने की हाजत नहीं। हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आइंदा जुमेरात को दोबारा सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें लेके हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें, ख्वाबों की ताबीर।